हमारे शरीर में खून की कमी को कैसे पूरा करें। हमारा शरीर काम कर रहा है क्योंकि हमारे शरीर में खून का प्रवाह सुचारू रूप से हो रहा है। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे एनीमिया बीमारी। खून की कमी से हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर सुस्त पड़ जाता है। आइए समझिए शरीर में खून की कमी को फलों के माध्यम से कैसे पूरा किया जा सकता है। नंबर एक, सेब, जिसे अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। कहा जाता है हर रोज एक सेब खाने से हमारा दिमाग तंदुरुस्त और तेज रहता है। नियमित सेब खाने से हमारा शरीर बीमारियों से कोसों दूर रहता है। नियमित सेब खाने से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। नंबर दो, अंगूर, जिसे अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हैं। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए अंगूर काफ़ी मददगार होता है। इसका नियमित सेवन करने से खून का स्तर बढ़ाया जा सकता है। अंगूर में विटामिन्स, आयरन्स, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। नंबर तीन, अनार, जिसे अंग्रेजी में प्रोमेग्रेनेट कहा जाता है। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए अनार सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे अच्छा फल है। अनार में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, विटामिन्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। अनार का नियमित सेवन करने से शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। नंबर चार, गाजर, जिसे अंग्रेजी में कैरेट कहते हैं। गाजर भी खून बढ़ाने में मददगार होती है। हमारे सेहत के लिए गाजर काफ़ी फायदेमंद होती है। गाजर का नियमित सेवन करने से खून का स्तर बढ़ाया जा सकता है। नंबर पाँच पे है चुकंदर, लाल रंग का चुकंदर, जिसे अंग्रेजी में रेड बीट कहते हैं। खून की कमी को पूरा करने के लिए चुकंदर अच्छा सोर्स है। नियमित चुकंदर के सेवन से हम अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर छः पर है पालक। पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है। पालक में आयरन का भंडार होता है और नियमित रूप से इसका रस यानी जूस बनाकर पीने से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है और मानसिक तनाव दूर होता है और त्वचा पर निखार आता है। अतः पालक से जो है हीमोग्लोबिन यानी रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।